दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मैजिकल टेक गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नई वीडियो में जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। जी हां दोस्तों, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं, एक एक डिटेल में खोज खोज कर सारा टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं। अगर आपके पास सैमसंग का फोन है दोस्तों, चाहे वो नोट 10 लाइट हो, नोट 10 प्लस हो, नोट 10 हो, एस 10 ई हो, एस 10 प्लस हो, यानी कि नोट सीरीज का कोई भी फोन आपके पास हो, एस सीरीज का कोई भी फोन आपके पास हो, चाहे लाइट हो या फिर और भी कोई मॉडल हो जिसमें आपके पास सैमसंग यूआई का 2.0 हो दोस्तों, जो आपका अपग्रेड हो गया हो ओएस, तो सारे में ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत बढ़िया से काम करता है। और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप जानते भी नहीं होंगे और जो आपने सोचा भी नहीं होगा, बहुत अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं दोस्तों सैमसंग ने अपने नए यूआई में दिया है। और काफी टिप्स एंड ट्रिक्स को इसने अपडेट किया है जो शायद आप नहीं जानते हैं, क्योंकि वो बाद में सैमसंग ने अपडेट किया है। ऐसा भी पॉसिबल है दोस्तों कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप पहले से जानते होंगे, मगर मेरा ये दावा है कि मैक्सिमम टिप्स एंड ट्रिक्स जो नया अपडेट हुआ है वो आप नहीं जानते थे और आपने कभी कोशिश भी नहीं की थी क्योंकि आपको पता ही नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों, समय नहीं गवाते हैं और देखते हैं क्या है वो 40 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। पहले टिप्स एंड ट्रिक्स से शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों डार्क मोड नाम से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि डार्क मोड क्या है दोस्तों, पहले ये नाइट मोड के नाम से हुआ करता था। तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप टर्न ऑन करते हैं तो ऑब्वियसली डार्क मोड में आपका फोन चला जाता है। अब आप इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं कब से कब तक आप चाहिए, वॉलपेपर में भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब डार्क मोड गूगल के और सैमसंग के जितने भी फर्स्ट पार्टी एप्स हैं सारे पे ये इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि लगभग 90% एप्स है जिसमें आप डार्क मोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों आप नोटिफिकेशन से भी डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर डार्क मोड इनेबल हो गया, तभी मैंने डिसेबल किया। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो है ऑलवेज ऑन। ये कहाँ पर होता है दोस्तों, तो नॉर्मली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये डिस्प्ले में तो नहीं है, बट ये लॉक स्क्रीन में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलवेज ऑन आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको अगर ऑन करते हैं तो आपको तीन ऑप्शन पूछता है। नॉर्मली मैं टैप टू शो ही करता हूँ क्योंकि शो ऑलवेज में बैटरी को थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करता है। इनफैक्ट आप क्लॉक स्टाइल है दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्लॉक स्टाइल मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये काफी अच्छा है कि आप अब इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो कस्टमाइज कीजिए जैसा मन है वैसा रखिए और इसका फायदा उठाइए। तो क्या आप जानते हैं कि पावर की को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि पावर की है वो आपका जस्ट एक की नहीं है, पावर की को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे साइड की का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाता है कि डबल प्रेस करेंगे तो क्या होगा। नॉर्मली मैं बिक्सबी तो ऑन करता नहीं क्योंकि वो बहुत हार्डली ही यूज होता है, तो मैं कोई भी ऐप जो फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ मैं उसको ऑन करता हूँ। अभी मैंने सैमसंग मेंबर्स को ऑन किया हुआ है और प्रेस एंड होल्ड करने पर, यानी कि आप उसको अगर दबा के रखेंगे दोस्तों तो क्या होना चाहिए, अगेन बिक्सबी को कौन यूज करता है आज के समय में दोस्तों। मैंने पावर ऑफ का मेन्यू रखा हुआ है क्योंकि पावर ऑफ डायरेक्टली इसमें नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रेस करके रखूंगा, ये देखिए दोस्तों, तो ये मेरे को ऑप्शन पूछ देता है। अगर आपको पावर ऑफ ऑन का मेन्यू देखना है दोस्तों तो आप यहां से भी कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। दोस्तों आप जानते हैं कि नेविगेशन जेस्चर आज के समय की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आजकल इस तरह से बटन्स को यूज करना काफी आउट ऑफ फैशन भी माना जाता है और उतना कन्वीनियंट भी नहीं होता है। आप सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद आप डिस्प्ले में जाएंगे। आप जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है नेविगेशन बार का। आप जैसे ही इसमें जाएंगे आप देख सकते हैं कि आपको नेविगेशन बटन्स का ऑप्शन मिल जाता है और फुल स्क्रीन जेस्चर का ही ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। इनफैक्ट आप फुल स्क्रीन जेस्चर में जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, जैसा एक जो 2.0 के पहले का था और एक एडवांस्ड जो आपको बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड वाला ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप बिल्कुल आईफोन की तरह काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि नीचे एक सिंगल बटन का ऑप्शन मिल गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर मेरे को होम स्क्रीन पे जाना हो तो बस मैंने ऐसे कर दिया, ऐप को मैंने खोल लिया, ये देखिए दोस्तों जो भी ऐप मेरे को सेलेक्ट करना हो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर बैक जाना हो दोस्तों तो कोई भी साइड किसी में बैक जा सकता हूँ। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से काम करता है दोस्तों। फुल स्क्रीन जेस्चर हमेशा फायदेमंद होता है, आपका समय बचाता है और आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ दोस्तों, जो है 100 मोड। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों आजकल का फोन का साइज काफी बड़ा होने लगा है, तो आपको एक हाथ में अगर फोन को हैंडल करना है तो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए लगभग सारे कंपनीज अब 100 मोड
देती है, तो वो कहाँ मिलेगा दोस्तों? आप सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद आप एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको 100 मोड मिल जाता है। जैसे ही आप 100 मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है। और अगर आप बटन यूज कर रहे हैं तो आप बटन का यूज कर लेंगे दोस्तों। अगर आप जेस्चर यूज कर रहे हैं तो आप ये जेस्चर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब अगर 100 मोड में करना हो तो क्या करना होगा दोस्तों? अगर आप बटन यूज कर रहे हैं तो बस इसको आपको दो बार टैप कर देना है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट यहाँ आएगा, लेफ्ट हैंडेड है तो वहाँ जाएगा। तो यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए सारा कुछ होगा दोस्तों यहाँ पर। यहाँ से आप रिसेंट ऐप्स देख सकते हैं, जो भी चाहे आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको बाहर निकलना हो दोस्तों तो बस आपको कहीं भी टाइप कर देना है बाहर में, और ये देखिए आप बाहर आ जाते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ दोस्तों, जो कि बहुत मजेदार है और ये अभी सिर्फ रियलमी के फोन में जो नया UI आया है सिर्फ उसमें मिलता है और सैमसंग में मिलता है, और किसी भी मोबाइल के OS में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं ये फीचर कितना यूनिक और कितना बढ़िया होगा आपके लिए। वह दोस्तों सेल्फी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लेना है, यानी कि आप अब सेल्फी वीडियो भी ले सकते हैं जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो उसको कैसे करेंगे दोस्तों? तो ऑब्वियसली आप पहले सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद आप एडवांस फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन शॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डर का। जैसे ही इसमें आप जाएंगे दोस्तों तो आप इसको ऑन कर लेंगे, और सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको साउंड और वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मांग लेता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सेल्फी वीडियो का क्या साइज होगा, तो नॉर्मली मैं लार्ज रखता हूँ ताकि फोटो ठीक ठाक आए। अगर मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा तो रिकॉर्डिंग के लिए कुछ नहीं दोस्तों, अब आपको यहाँ नोटिफिकेशन बार में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर का। तो जैसे ही आप इसको टच करेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो देखेंगे कि 3, 2, 1 और आपको रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो आप चाहें तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको कस्टमाइज करने के लिए भी देता है, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई लव मैजिकल चेक गुरु, आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो अवतार का आइकॉन है दोस्तों उसको अगर आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है, जैसा कि ये सैंपल वीडियो में आप देख सकते हैं। स्टॉप करने के लिए बस आपको यहाँ पे स्टॉप कर लेना, और देखिए रिकॉर्डिंग सेव हो जाता है। ये बहुत ही कूल फीचर है दोस्तों, बहुत मजेदार फीचर है, आपको बिल्कुल यूज करना चाहिए दोस्तों। ये जो भी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, और जब मैं ये अवतार आइकन को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेल्फी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि अब सेल्फी रिकॉर्डिंग भी होना शुरू हो गया है और आप नॉर्मल रिकॉर्डिंग भी साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये फीचर सैमसंग का अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, उनको भी ये फीचर अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप हमारे ऐसे ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियोस का फायदा सबसे पहले उठा सके। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी काफी मजेदार है, शायद आप जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मली किसी भी मोबाइल में आप सिर्फ एक फेस को रजिस्टर कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए, बट अब आप दो फेस भी रजिस्टर कर सकते हैं फेस अनलॉक फीचर को यूज करने के लिए। कैसे करेंगे दोस्तों? सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि ये बायोमेट्रिक्स में आपको मिलता है तो बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली योर फेस हैज बीन रजिस्टर्ड। एक तो सभी रजिस्टर करके रखते हैं दोस्तों, बट अगर दूसरा करना हो तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है एड ऑल्टरनेटिव लुक, यानी कि आप एक ऑल्टरनेटिव फेस को भी रजिस्टर कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए। दोस्तों टेक्नोलॉजी आज नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आजकल हम सबके पास लैपटॉप होता है, हमारे पास एक स्मार्टफोन है जो कि लैपटॉप से कम नहीं है। इनफैक्ट सैमसंग अपने जितने भी फ्लैगशिप फोन है, चाहे नोट सीरीज हो चाहे एस सीरीज हो, उसको वो एक छोटा मोटा लैपटॉप ही मानता है। आखिर 8 GB और 12 GB का रैम हो तो लैपटॉप ही जैसा होगा ना दोस्तों। तो अब आपको कोई भी केबल की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो अपने मोबाइल को, जी हाँ दोस्तों, इस मोबाइल को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं अपने विंडोज पीसी के साथ, यानी कि अपने फोन को मिरर कर सकते हैं विंडोज पीसी से विदाउट एनी वायर कनेक्शन। वायरलेसली होगा दोस्तों और बहुत स्मूथ होगा और बहुत बढ़िया काम करता है। बस आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद एडवांस्ड फीचर्स में जाना है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक टू विंडोज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, बस आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आपको इसको इनेबल करेंगे दोस्तों तो आपको ये कुछ पैरामीटर देगा, बस आपको उस पैरामीटर को फॉलो करते जाना है, जो भी विंडो आता है उसको ओके कर दीजिए और विंडोज आईडी से लॉगिंग कर लीजिए। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली आपका फोन है वो मिरर्ड हो जाएगा आपके विंडोज लैपटॉप से। ये फीचर बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आप बहुत आसानी से अपने जितने भी फोटोज हैं, मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, आप अपने विंडोज लैपटॉप पे देख सकते हैं। इसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेज भी है दोस्तों। ये क्या काम करता है? तो अगर आपके पास दूसरा सैमसंग का मोबाइल है दोस्तों जिसमें आप सेम सैमसंग अकाउंट से लॉगिंग किए हुए हैं, तो कॉल भले ही आपको इसमें आए
या मैसेज इसमें आए, लेकिन आप उससे भी उस कॉल को एक्सेस कर सकते हैं, उस मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। कभी कभी जब आपका मोबाइल समझिए दूसरे रूम में है और आप अपने समझिए टैबलेट के साथ ड्रॉइंग रूम में है और आपका फोन बेडरूम में है, तो कॉल आ रहा है तो आपको बेडरूम तक जाने की जरूरत नहीं है, आप टैबलेट यूज कर रहे हैं वहीं पर आप उस कॉल को अटेंड कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है वो इसी में है। आप देख सकते हैं स्मार्ट पॉपअप व्यू, ये क्या करता है, तो ये नोटिफिकेशन को आइकॉन की तरह आपको पॉपअप करके दिखाता है, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं दोस्तों तो आपको वापस उस ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, वो पॉपअप करके दिखाएगा। अगर जरूरत है तो आप उसको वहीं से एक्सेस कर सकते हैं, वरना आप इग्नोर कर सकते हैं और जो काम है वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है दोस्तों, जैसे ही हम इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने व्हाट्सएप को इनेबल किया हुआ है। आप वेरियस एप्स है, आप जिसमें भी ये पॉपअप का ऑप्शन चाहते हैं उसको इनेबल कर लीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, समझिए कि मैं एक ऐप में हूँ और ये ऐप जो है मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मेरे को एक व्हाट्सएप का मैसेज आता है, तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। हम चाहें तो अभी अगर ये मेरे लिए नेसेसरी है तो मैं इसको एक्सेस करूंगा, वरना मैं अपना जो काम है वो करता रहूंगा। अगर एक्सेस करना हो दोस्तों बस आप उसको टच कर देना और देखिए पॉपअप की तरह ही ओपन हो जाता है। आप चाहें तो आप यहीं से सब कुछ कर सकते हैं, इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों, अगर आप मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो फुल स्क्रीन बना सकते हैं इसको अगर बहुत जरूरत है तो, और आप चाहे तो फिर इसको क्लोज कर सकते हैं और ऐप को भी क्लोज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों वो एज लाइटिंग का है। अगर आपका एज स्क्रीन है दोस्तों तो ही ये एप्लीकेबल है। इसके लिए हमको सेटिंग्स में जाना होगा, डिस्प्ले में जाना होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एज स्क्रीन का। जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आपको एज पैनल का ऑप्शन मिल जाता है, एज लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप एज लाइटिंग में जाएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं आपको बहुत सारा लाइटिंग इफेक्ट मिल जाता है। पहले दोस्तों ये बहुत कम हुआ करता था, अब देखिए इतने सारे लाइटिंग इफेक्ट्स हैं। आप चाहें तो ये लाइट इफेक्ट कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर फायरबॉक्स की तरह ये काम करेगा, ये देखिए दोस्तों बबल चाहें तो आप बबल कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों जो आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये ऑरेंज कलर में हो जाएगा। अब दोस्तों कैमरा यूआई की बात कर लेते हैं, उसमें भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। उसके लिए कैमरा ऐप में जाएंगे दोस्तों और आप देख सकते हैं कि आपको वेरियस ऑप्शंस यहाँ पे नीचे में तो मिल ही जाता है, बट आपको यहाँ पे एक मोर मिल जाता है, और जब मोर में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। अब आप इन ऑप्शंस को चाहते हैं कि वो भी नीचे स्लाइडर में आ जाए तो आप एडिट करेंगे दोस्तों। जैसे ये पैनोरमा है, इसको आप ड्रैग करके ले आएंगे, देखिए यहाँ पर आ जाता है। ये फूड फोटोग्राफी आपको करना है, आप ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। अगर आपको लगता है दोस्तों तो आप सेव कर लेंगे, बट आपको लगता है कि नहीं मैं फूड को यूज करता नहीं हूं, तो इसको आप वापस मोर में डाल सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों डिवाइस केयर यूआई की बात करते हैं। 2.0 में जो यूआई है उसको बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि आप सिंगल हैंडेडली अगर यूज करना चाहें फोन को तो थोड़ा बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, उसके बाद मैं डिवाइस केयर में जाऊंगा, और आप देख सकते हैं कि ऊपर का पोर्शन को काफी बड़ा बनाया गया है, इतना बड़ा आपको स्पेस दिया गया ताकि जब आप मोबाइल होल्ड करें तो आप अपने अंगूठे से ही सब कुछ कर सके। अगर आप बैटरी में जाएंगे आप देख सकते हैं दोस्तों पहले के मुकाबले काफी अच्छा, काफी क्लीन फेस आपको मिल जाता है यहाँ पर, और ये देखने में भी अच्छा लगता है, और आप जब इसको यूज करते हैं तो आपको इंटरेस्ट जगता है। और आप देखिए दोस्तों यहाँ पे वायरलेस पावर शेयर का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सैमसंग का एक फ्लैगशिप फीचर है। आप जब इसको ऑन करेंगे दोस्तों तो आप वायरलेस चार्ज कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, और आप बैटरी लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि आपका मोबाइल का बैटरी लिमिट अगर 30% पे आ जाएगा तो वो रुक जाएगा चार्जिंग कर देना, इससे ज्यादा रहेगा तो वो चार्ज करता रहेगा, और आपको इस यूआई से लगभग प्यार हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपके पास नोट सीरीज है, एस सीरीज है, या कोई भी फ्लैगशिप फोन है जिसमें आपको यूआई 2.0 मिल चुका है, तो इसको आप जानिए और इसको यूज कीजिए। डिजिटल वेलबिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों नेट टिप्स एंड ट्रिक्स में। उसके लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे तो बिल्कुल आपको सामने ही दिख जाएगा, ये देखिए दोस्तों पहले के मुकाबले कितना बढ़िया आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है, जो आपको देख के ही अच्छा लगता है। और आपको ऑप्शंस भी काफी मिल जाते हैं, जैसे आपको ऐप टाइमर्स मिल जाता है, आप हर ऐप के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं कि कौन सा ऐप आपको कितने टाइम के लिए यूज करना है। आप कितना ऐप को यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन कितना है आपके पास, अनलॉक कितनी बार हुआ, मतलब आपको एक माइन्यूट इन्फॉर्मेशन भी देता है, ताकि आप उसको बेटर तरीके से अपने लाइफ में इंटीग्रेट करके इसका फायदा उठा सके। फोकस मोड आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा है। फोकस मोड क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप जाएंगे तो आप अपने पसंद का 1, 2, 3, 4, 5 ऐप जो है इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे। आप जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे सारे ऐप डिसेबल हो जाते हैं, सिर्फ आपका जो वो दो ऐप था नेटफ्लिक्स और कैमरा वो इनेबल रहता है, और जो मेन ऐप है दोस्तों चाहे वो फोन हो, क्लॉक हो, मैसेज हो, प्ले स्टोर हो, बस वही इनेबल रहेगा, बाकी सब डिसेबल रहेगा। आप अगर ऑन करना चाहेंगे तो ये आपको बोल देगा, क्योंकि आप फोकस मोड में है। तो फोकस मोड को डिसेबल करना हो तो क्या करना है दोस्तों, नोटिफिकेशन में भी आ जाता है, आप जैसे ही इसमें जाएंगे यहाँ से एंड फोकस मोड कर देंगे और ऑटोमेटिकली आप फिर वापस अपने प्रीवियस नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। और इसमें आपको एक पेरेंटल मोड भी मिल जाता है दोस्तों,
इसका मतलब ये है कि जब आप अपने किड्स को फ़ोन देते हैं तो आप पेरेंटल मोड में सेट करके देते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका जो किड है वो फ़ोन पे क्या कर रहा है। इनफैक्ट आप अपने दूसरे मोबाइल से सारा कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, कितना स्क्रीन टाइम यूज़ हो रहा है, आप उसमें लिमिट सेट कर सकते हैं। और जब पेरेंटल कंट्रोल की बात हो ही रही है दोस्तों, तो एक नए फीचर से आपको रूबरू करवाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन में किड्स होम आ जाता है। आप जब इसको इनेबल करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे किड्स के लिए बिल्कुल आपको एक इंटरफेस मिल जाता है, कुछ गेम्स हैं मज़ेदार वाले, इनफैक्ट माइक फोन मिल जाता है, माइक कैमरा मिल जाता है, माइक गैलरी मिल जाता है। दोस्तों माइक कैमरा में आप देखेंगे तो आपको वेरियस इफेक्ट्स मिल जाते हैं शानदार शानदार, जो आप इसको यूज कर सकते हैं, जो कि फोटोज को फनी बना देगा। सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी भी आपको पूरा मिलता है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि अगर आपका किट जो है वो बैक जाना चाहे नॉर्मल मोड में तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पैटर्न मांगेगा है, जो कि सिर्फ आपके पास होगा। आप जैसे ही पैटर्न देंगे दोस्तों तो ये वापस अनलॉक हो जाता है, यानी कि ये बिल्कुल सेफ है यूज करने के लिए और फन तो है ही दोस्तों। नेक्स्ट जो टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों वो है कैलेंडर ऐप के ऊपर। अगर आप कैलेंडर ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है दोस्तों, जैसे ही आप इसको टच करेंगे आप देख सकते हैं कि आप स्टिकर ऐप इसमें लगा सकते हैं। जैसे ये अगर हार्ट का आपको लगाना हो तो आप देखिए इसमें लगा दिए, इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टिकर आ जाता है, यानी कि आप इसको अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। फाइल मैनेजर और कॉन्टैक्ट में भी आपको रिसाइकल बिन या ट्रैश का ऑप्शन मिल जाता है। तो फाइल मैनेजर कहाँ से आएगा दोस्तों, तो अगर आप सैमसंग में जाएंगे, माई फाइल्स में जाएंगे, तो अगर आप इसमें जाएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिसाइकल बिन का ऑप्शन मिल जाता है। रिसाइकल बिन क्या करता है दोस्तों, तो 15 दिन तक आपके डिलीटेड कंटेंट को संभाल के रखता है, उसके बाद इसको डिस्पोज कर देता है, जो कि पहले नहीं था। यानी कि आप कॉन्टैक्ट में और फाइल मैनेजर में रिसाइकल बिन और ट्रैश को यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ दोस्तों, जो है कर्सर कंट्रोल का। अगर आपके पास आईफोन है दोस्तों तो आप जानते हैं ये फीचर क्या है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आप कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर आपके पास यहाँ पर स्क्रीन है दोस्तों तो आप कर्सर को आप प्रेस करके रखिए। अब देखिए दोस्तों आपका कर्सर ही मूव कर रहा है, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। देखिए दोस्तों तो ये कर्सर कंट्रोल बहुत फायदा करता है दोस्तों, आपको भी इसको यूज करना चाहिए, ये आपका बहुत समय बचाता है। तो एक बेसिक सा टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आप जानते होंगे, बट फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं, यहाँ बैटरी परसेंटेज कैसे लाएंगे दोस्तों अपने डिवाइस में, सैमसंग के डिवाइस में, तो आप नोटिफिकेशन को नीचे लाएंगे और आप यहाँ पर 3 डॉट्स का ऑप्शन देखेंगे। इसमें आप आएंगे तो स्टेटस बार में जाएंगे दोस्तों, जैसे स्टेटस बार में आप जाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है शो बैटरी परसेंटेज। ये देखिए दोस्तों 85% आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जब हम नोटिफिकेशन पैनल देख ही रहे हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मीडिया एंड डिवाइसेस का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आप चाहें तो मीडिया को यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और डिवाइसेस को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों अगर आपका लैपटॉप कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पर लैपटॉप पेयर मिल जाता है। अगर आपके पास स्मार्ट डिवाइसेज हैं घर में तो आप यहाँ से स्मार्ट डिवाइसेज का भी यूज कर सकते हैं। तो मीडिया एंड डिवाइसेज को आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन पैनल से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको रोटेटिंग आइकॉन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि नॉर्मली आईफोन में आपने देखा होगा या फिर एमआई के नए एमआई यूआई 11 में आपने देखा होगा। ये सेटिंग से ये रोटेट करेगा अगर कोई अपडेट आप डाउनलोड कर रहे हैं तो। इनफैक्ट आप इसमें बहुत सारे एनिमेटेड आइकॉन है जो उस समय रेलेवेंट अगर उसका यूज हो रहा होगा तो वो एनिमेट करेगा, रोटेट करेगा। अगर आप देखेंगे तो ये सब फोल्डर्स हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि सारे का कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ब्लू रख सकते हैं, गूगल का रेड रख सकते हैं, सैमसंग का ऑरेंज रख सकते हैं। आपको बस इसमें जाना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना, और जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे समझिए मैंने इसको चेंज कर दिया येल्लो में, तो अब देखिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट येल्लो हो गया। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, बगैर जब आप इसको कस्टमाइज करते हैं तो आपको मजा आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको देखने में भी अच्छा लगता है, आपको यूज करने में भी अच्छा लगता है, और आपको एक फील आता है कि हाँ मैं एक फ्लैगशिप फोन यूज कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको इसमें तिजोरी मिल जाता है। तिजोरी, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, फोन में तिजोरी। क्या होता है दोस्तों, ऑब्वियसली तिजोरी आप घर में क्यों रखते हैं, आप वैल्यूएबल सामान को स्टोर करते हैं ताकि कोई भी उसको ले ना सके, एक्सेस ना कर सके। यहाँ भी तिजोरी सिक्योर फोल्डर के नाम से आता है दोस्तों। वो कहाँ मिलेगा आपको, तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद आप बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इसमें जाते हैं तो ऑब्वियसली ये सिक्योर्ड है, इसलिए आपसे वो पैटर्न मांगता है, और जैसे ही पैटर्न में आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स में आ जाता है, और इसमें आप अपने सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लॉक टाइप कैसा रखना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी मैंने अनलॉक किया है तो आपको पैटर्न दिखा नहीं है, क्योंकि वो इनविजिबल बना रहे थे कि मेक पैटर्न विजिबल और इनविजिबल। और वो फोल्डर आपको कहां मिलेगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहां पर सिक्योर फोल्डर मिल जाता है, और सिक्योर फोल्डर में आप जो भी रखेंगे दोस्तों वो सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि ये मोबाइल में तिजोरी की तरह है, जिसमें आप अपने सारे वैल्यूएबल फोटोज, डेटा, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं ताकि वो सिर्फ
आप तक ही रहे और कोई भी उसको देख ना सके। तो इसमें आपको एक डायनेमिक लॉक स्क्रीन मिल जाता है। तो वो क्या है दोस्तों, जब भी आप अनलॉक करेंगे तो आपको एक नया फोटो मिलेगा, डिजिटल फोटो मिलेगा जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। जैसे अभी मैंने लॉक किया, अभी मैंने अनलॉक किया, तो अभी आप एक एनिमेटेड वॉलपेपर देख रहे हैं दोस्तों। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद लॉक स्क्रीन में जाना है, उसके बाद आपको वॉलपेपर में जाना है। यहाँ पे वॉलपेपर सर्विसेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों डायनेमिक लॉक स्क्रीन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको इनेबल कर लेना है। और सेटिंग्स में जाकर दोस्तों आप चाहे तो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी, जैसे मैंने फूड को डाउनलोड किया है, आप आर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पेट्स कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। तो अब जब ये इनेबल हो गया है दोस्तों, तो मैं इसको लॉक करूंगा और फिर अनलॉक करूंगा और देखूंगा ये कैसा काम करता है। ये देखिए दोस्तों, आपको मजेदार एक हाई डेफिनेशन का पिक्चर देखने को मिलेगा। फिर से अनलॉक करते हैं दोस्तों और देखते हैं इस बार आपको क्या मिलता है। देखिए दोस्तों, फिर से आपको एक काफी मजेदार सा फोटो मिल जाता है। तो जो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों, वो है टेम्पररी म्यूट करने का फोन को। आप जानते हैं दोस्तों कि आप फोन को वाइब्रेट या साइलेंट मोड पर डाल सकते हैं, बट कितने देर के लिए आपको डालना है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि कभी कभी आप डाल के भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉल आता है, आपको पता ही नहीं चलता है। समझिए आप मूवी जा रहे हैं तो आपको पता है कि 2 घंटे 2.5 घंटे मूवी खत्म हो जाएगी, या फिर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको पता है कि 1.5 घंटे 1 घंटे में आपका मीटिंग ओवर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको दोस्तों इस UI में बहुत ही मजेदार फीचर मिल जाता है टेम्पररी म्यूट के नाम से। सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों, साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप म्यूट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है टेम्पररी म्यूट का। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो 1 घंटे के लिए अभी म्यूट हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा बाद ये ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जाएगा। यानी कि आप जानते हैं कि आप एक मीटिंग में जा रहे हैं जो 1 घंटा 45 मिनट चलेगा, तो इसको सिलेक्ट करेंगे ताकि आप एक्सीडेंटली म्यूट ही ना रह जाए आपका फोन और कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज या कॉल जो है वो मिस ना हो जाए आपसे। अब दोस्तों होम स्क्रीन का भी आपको बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स होता है जो आप जानते नहीं है। जैसे अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो देखिए अभी ऐप आ जाता है, जो कि आप अप से भी कर सकते हैं। तो दोनों से एक ही फंक्शनलिटी यूज करने का क्या मतलब है? नोटिफिकेशन यूज करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर से नीचे लाना पड़ता है। उसके लिए आपको दोस्तों 2 फिंगर से अपने होम स्क्रीन को स्क्वीज करना है और यहाँ पे होम स्क्रीन का सेटिंग्स आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, आप इसको इनेबल कर लेते हैं। अब आप इसको करते हैं तो देखिए आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि पहले एप्स का विंडो आ रहा था। उसी तरह से दोस्तों फिर होम स्क्रीन में जाएंगे और आप देखेंगे आपको एप्स का बटन मिल जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये बहुत मजेदार है, मैं भी इसको यूज करता हूँ। इनेबल कर लेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको एक बटन मिल जाता है, इस बटन को आप टच करेंगे तो सीधा आप एप्स में चले जाएंगे, नहीं आपको कुछ भी अप डाउन करने का जरूरत ही नहीं, बस आप एक बटन के थ्रू ही एप्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर और देखें तो इसमें बहुत सारा मल्टीपल फीचर है। ग्रिड में आप कितने ऐप्स रखना चाहते हैं, ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन, अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन में चला जाए, उसको आप यहां से सेट कर सकते हैं। आप होम स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हैं दोस्तों यहां से इनेबल करके, इनफैक्ट आप ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं दोस्तों यहां से। तो दोस्तों ये थे 40 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि सैमसंग फोन पे अगर आप यूज करते हैं तो आप बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये आपको डेली लाइफ में बहुत फायदा पहुंचाता है। बस आप में UI 2.0 इंस्टॉल्ड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो फायदा कर रहा है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद था, तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये फायदा मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप हमारे ऐसे ऐसे मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स, अनबॉक्सिंग वीडियोस और बहुत सारे टेक्निकल इंफॉर्मेशन को सबसे पहले पा सकें, जल्दी से जल्दी पा सकें जैसे ही हम उसको अपलोड करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।